हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल होम टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम और किचन के लिए बहुत ही यूनिक और स्मार्ट प्रोडक्ट जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन अमेजॉन के वेबसाइट और ऐप से मिल जाएंगे। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के उसका प्राइस देख सकते हैं और वहाँ से बाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट आइटम है ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर। यह हनीकॉम शेप में होता है, प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है। इसमें आप इनरवियर सॉक्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है एग स्टोरेज बॉक्स। इसमें 6 से 7 एग्स को आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप फ्रिज में इसे एग को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। यह प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है और इसमें लिड भी लगा हुआ होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है नाइफ क्लीनिंग ब्रश। इसके ब्रिसल्स हार्ड होते हैं, आप इससे चॉपस्टिक, नाइफ या फिर स्पून वगैरह क्लीन कर सकते हैं। इसके पीछे एडहेसिव भी लगा हुआ होता है, तो आप सिंक के ऊपर बड़े ही आसानी से इसे चिपका सकते हैं। नेक्स्ट है 4-लेयर स्टोरेज रैक। यह मेटल का बना हुआ होता है, इसमें व्हील्स भी लगे हुए होते हैं। इसके हर लेयर में स्लाइडिंग अलमीरा लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से सामान को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही आसान हो जाता है। इसे आप किचन में या फिर लिविंग रूम, बेडरूम में इस्तेमाल में ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये एग योक सेपरेटर। इससे आप वाइट एग और योक को सेपरेट कर सकते हैं। यह सिरामिक मटेरियल का बना हुआ है, लुक वाइज काफ़ी क्यूट है। यह चिक के शेप में बना हुआ होता है, तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप इसे किचन में इस्तेमाल में ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक टूथपिक डिस्पेंसर। इसमें सेंसर लगा हुआ होता है, जैसे ही आप अपना हाथ ले जाते हैं इससे टूथपिक बाहर निकल कर आ जाता है। लुक वाइज भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो आप इसे डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं और आपके डाइनिंग टेबल की यह खूबसूरती को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है ये सिलिकॉन का बना हुआ नीडिंग मैट। इस पर आप आटे को गूंथ सकते हैं, चपाती को भी बेल सकते हैं या फिर आप इसे बेकिंग के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, तो यह मल्टी फंक्शनल वर्क करता है। नेक्स्ट है हैंड ब्लेंडर। यह मैनुअली वर्क करता है, पावर फ्री होता है। इसका ब्लेड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। इसका यूज आप लस्सी बनाने के लिए, एग को बीट करने के लिए, किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए कर सकते हैं। यह है मल्टी यूज एग विस्क। इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं, चाहे एग को बीट करना हो, नूडल्स को गर्म पानी से निकालना हो, या फिर एग को गर्म पानी से निकालना हो, या फिर कुछ भी विस्क करना हो, तब भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये है एडहेसिव वॉल डेकोर। बहुत ही आसानी से आपके वॉल पर यह चिपक जाता है। इसमें फ्लावर्स को रखने के लिए भी स्पेस बना हुआ होता है, तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स को रख करके आप अपने लिविंग रूम की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। ये है एक राइस डिस्पेंसर। यह 2-लेयर का बना हुआ होता है, तो ऊपर के लेयर में आप स्पेगेटी या फिर नूडल्स को रख सकते हैं और नीचे काफ़ी सारे राइस को आप स्टोर करके रख सकते हैं। यह एयर टाइट भी होता है, तो काफ़ी लंबे समय तक इसमें राइस या फिर नूडल्स वगैरह ख़राब नहीं होंगे। यह है वेजिटेबल फ्रूट पीलर। इसे फिंगर में होल्ड करके आप किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल को छील सकते हैं। इसमें फिंगर में होल्ड करने के लिए स्पेस बना हुआ होता है, तो किसी भी वेजिटेबल, चाहे पोटैटो हो, कैरेट हो या फिर फ्रूट्स को छीलना हो जैसे कि एप्पल वगैरह को, तो बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। वार्डरोब में कपड़े रखने के बाद भी बहुत सारा स्पेस बच जाता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आप यूज में ले सकते हैं इस हिडन ड्रॉअर का। यह एक्राइलिक मटेरियल का बना हुआ होता है, बहुत ही आसानी से आप अलमारी में फिट कर सकते हैं। इसमें आप अपने इनर वियर्स को स्टोर करके रख सकते हैं या फिर किसी भी वैल्यूएबल चीज़ को अगर आपको रखना है तब भी इसे यूज में ले सकते हैं। कॉर्न के दानों को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो आप अपना काम आसान बनाने के लिए इस टूल को इस्तेमाल में ले सकते हैं। यह है कॉर्न पीलर। इस टूल की हेल्प से कुछ ही मिनटों में बहुत सारे कॉर्न के दाने निकल कर बाहर आ जाते हैं। यह है एडहेसिव विंडो डोर लॉक। बहुत ही आसानी से आप इसे विंडो या फिर डोर पर चिपका सकते हैं। उसके बाद जब भी विंडो या डोर लॉक करेंगे तो उससे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी और बहुत ही आसानी से बंद हो जाते हैं। यह है डिस्पोजेबल पेपर कप डिस्पेंसर। बहुत ही आसानी से आप इसे वॉल पर फिक्स कर सकते हैं। यह ऑटोमेटिक वर्क करता है। इसमें बहुत सारे ग्लास एक बार में आप डाल सकते हैं और 1 by 1 नीचे से ग्लास निकलता जाता है। ये है वॉल माउंटेड क्लॉथ हैंगर।
यह फोल्डेबल भी होता है, किसी भी वॉल पर आप इसे लगा सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे कपड़े, चाहे बच्चों के सॉक्स हों या फिर इनरवियर हो, आप इसमें हैंग करके सुखा सकते हैं और यूज करने के बाद इसे वापस फोल्ड करके रख सकते हैं। ये है कंप्यूटर स्क्रीन क्लीनिंग ब्रश। इसमें दो साइड अलग अलग टाइप के ब्रश दिए हुए होते हैं। एक की हेल्प से आप कीबोर्ड को क्लीन कर सकते हैं और दूसरे साइड की हेल्प से आप कंप्यूटर के स्क्रीन की क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये है पोटैटो मैशर, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही ड्यूरेबल है। इसमें होल्ड करने के लिए भी बहुत अच्छा ग्रिप दिया हुआ है, तो आप इसका यूज करके किसी भी बॉइल्ड वेजिटेबल या फ्रूट्स को बहुत ही आसानी से मैश कर सकते हैं। ये है किचन के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट, पूरी कटर रोल। बहुत सारी पूड़ियों को आप कुछ ही मिनटों के अंदर बना सकते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे टाइम की आपकी बचत होगी। ये है डम्पलिंग मेकर, जिसमें एक साथ आप 8 डम्पलिंग को तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 8 डम्पलिंग एक साथ बनकर तैयार हो जाएगा, तो कितना सारा टाइम का बचत होगा। अगर आप किसी सिंगल स्टेनलेस स्टील डम्पलिंग मेकर की तलाश में हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें एक डम्पलिंग आप बनाकर के तैयार कर सकते हैं। यह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, तो काफ़ी स्टर्डी होता है। ये है रोटेटिंग कॉर्नर सेल्फ्स। किसी भी कॉर्नर में आप इसे रख सकते हैं, चाहे किचन में या फिर बाथरूम में। इसमें डोर भी लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से यह डस्ट प्रूफ होता है, तो आप बहुत ही आसानी से अपने सामान को ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं। ये है 4 कंपार्टमेंट बॉक्स। इसे आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं। आप इसमें स्पाइसेस रख सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लीड भी लगा हुआ होता है। किचन के लिए बहुत ही यूजफुल आइटम है सिलिकॉन का बना हुआ स्पैचुला सेट। हर तरह का स्पैचुला आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि कुकिंग के ड्यूरिंग आप यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह के कुक बेयर के लिए आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये कॉर्नर ड्रॉअर लॉक्स। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही यूजफुल आइटम है। किसी भी ड्रॉअर पर आप इसे इजीली फिट कर सकते हैं और अपने ड्रॉअर को लॉक करके रख सकते हैं। यह है टॉयलेट पेपर होल्डर, जिसका इस्तेमाल आप अपने बाथरूम में कर सकते हैं। यह सेल्फ एडहेसिव होता है, तो वॉल पर आसानी से चिपक जाता है। आप इसका इस्तेमाल बाथरूम में टॉयलेट पेपर को रखने के लिए कर सकते हैं। ये है मैग्नेटिक विंडो ग्लास क्लीनर। इसमें लिक्विड सोप को डालने के लिए भी स्पेस बना हुआ होता है, तो लिक्विड सोप को आपको इसमें डाल देना होता है। उसके बाद पुश करने के बाद इससे लिक्विड सोप बाहर आ जाता है और दोनों तरफ से विंडो का ग्लास अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। ये है फूड वैक्यूम सीलर बैग। अगर किसी भी फूड को आपको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है, तो आप इस वैक्यूम सीलर बैग को यूज में ले सकते हैं। बहुत ही कम जगह में बहुत सारे बैग्स को आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये है वॉल माउंटेड सोप बॉक्स। इसमें लीड भी लगा हुआ होता है और डबल ग्रिड भी लगा हुआ होता है, तो जिसकी वजह से सोप बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है। आप इसका यूज बाथरूम में सोप को रखने के लिए कर सकते हैं। ये है कटिंग बोर्ड विद ट्रे। कटिंग बोर्ड का तो इस्तेमाल आप रोज ही किचन में करते होंगे, लेकिन इसके साथ ट्रे भी लगा हुआ होता है, तो ज़्यादा सब्जियों को काट करके आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और कुकिंग के समय इस्तेमाल में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आया हो, इनका प्राइस देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जा करके आप इन सभी आइटम्स का प्राइस देख सकते हैं और आप वहां से खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपसे जल्द मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।